सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो यार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है एक बार फिर द ऑल न्यू क्लासिक 350 रीबॉर्न सिग्नल्स एडिशन। तो आज अपन लेने वाले हैं इसका एक टॉप स्पीड टेस्ट। ऑल्दो मैं इसके बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दो ऑल, ताकि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये है रॉयल इनफील्ड का एक रीबॉर्न मान लीजिए आप, बट स्टिल लेगेसी कंटिन्यू। तो सब कुछ चेंज हो गया है, जे प्लेटफॉर्म पे इंजन बन रहे हैं, चैची अब जो है डबल बैंड पाइप पे आने लग, डबल पाइप पे जो है आपके चैची आने लग गया है, चैची वगैरह सब चेंज है। फिनिशिंग बहुत प्यारी कर दी है बाइक की, जो भी मतलब काम किया है पूरा फिनिशिंग के साथ किया है। तो एक अपन जो है इसका आज करेंगे एक स्पीड टेस्ट, देखते हैं कितनी जाती है। 20.2 पीएस की पावर के साथ आती है ये, 349 सीसी का इंजन मिलता है इसमें आपको। तो खाली सा रोड है अभी अच्छा यहाँ पे, तो थोड़ा एक बार टॉप स्पीड इसका टेस्ट कर लेते हैं कि भाई टॉप स्पीड ये कितनी जाएगी। ऑल दो मेरे हिसाब से 120 तक तो जाती होगी, मैं 110-115 तक तो इसको टच कर चुका हूँ जब मैंने इसका वाइब्रेशन टेस्ट किया था हाई स्पीड पर। बट अभी एक बार अपन एक डेडिकेटेड टॉप स्पीड वीडियो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बाइक को किया जाए एक बार स्टॉप, बाइक को किया जाए न्यूट्रल और स्टार्ट किया जाए इसका टॉप की स्पीड का टेस्ट। ये ब्रेकिंग क्या दी है भाई, मज़ा ही आ जाता है ब्रेकिंग में। तो चलो तो शुरू करते हैं, 3, 2, 1 और दो अटेम्प्ट लूँगा मैं, या फिर एक ही अटेम्प्ट लेंगे यार, टॉप स्पीड में एक अटेम्प्ट ही काफ़ी है। पे बाइक 100-110 तो बहुत ही आराम से जा रही है यार, 110 तक तो इतनी आराम से जा रही है। 120 टच करते हुए इसी के साथ 125 तक ले जानी है बाइक को अपन को यार। इससे ऊपर काटा ही नहीं जा रहा, ऑल राइट गाइस। तो नहीं जा रहा इसका काटा 120 से ऊपर नहीं जा रहा। तो ये था अपना टॉप स्पीड का टेस्ट वीडियो इसका, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। 120-121 तक पहुंच गए, अब डिजिटल मीटर तो है नहीं तो एग्जैक्ट आपको नंबर बता सकूं, बट ये है कि 120-122 तक ये पहुंची है आराम से। तो ये था अपना टॉप स्पीड का वीडियो। बाकी थोड़ा जो है हवा इधर से आ रही है, सामने की तरफ से आ रही है, तो उससे भी बाइक पे थोड़ा, ऑल्दो ये तो थोड़ा हैवी वेट बाइक से तो इन पे इतना कोई इशू नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा जैसे सामने से हवा आती है तो टॉप स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। बट फिर भी ये मान लो 5-7 किलोमीटर की स्पीड का फ़र्क पड़ता होगा, यानी किलोमीटर पर आवर। तो 125 से ऊपर ये नहीं जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है, 121 तक तो मैं भी ले गया इसको। तो आपका क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हो कि भाई ये टॉप स्पीड सफिशिएंट थी या फिर ये इससे भी ज़्यादा जा सकती है। जो भी आपका सजेशन सुझाव हो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता रहे। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय एंड शब्बा खैर।